इस धनतेरस गुलजार रहा बिहार का बाजार। करीब 1142 करोड़ रुपए की हुई खरीदारी। धनतेरस पर पूरे बिहार में गजब की चमक रही। हर बाजार और हर दुकान की रौनक देखते बन रही थी। धनतेरस पर खरीदारी करने वाले की भीड़ पूरे मार्केट में रही। बिहार में अगर बिक्री की बात करें तो हर सेक्टर में करोड़ों की शॉपिंग की गई है। बिहार में 3500 से 3800 कारों की बिक्री का अनुमान लगाया गया है। इन कारों की कीमत करीब 180 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिर्फ पटना की बात करें तो 1500 से 2000 कारों की बिक्री का अनुमान लगाया गया है। तो सिर्फ पटना से इन कारों को बेचकर बाजार को करीब 90 करोड़ रुपए मिले हैं। बिहार में इस धनतेरस 500 करोड़ के आभूषण बेचे गए हैं। सिर्फ पटना में 180 से 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। रियल एस्टेट में बिहार में 120 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। अगर पटना की बात करें तो यहां 55 से 60 करोड़ का कारोबार किया गया है। बिहार में 50,000 दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी कीमत 320 करोड़ रुपए आंकी गई है। सिर्फ पटना में 10,000 दोपहिया बिकने का अनुमान है, जिसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़े दिन बाजार में हर धनतेरस रौनक बनी ही रहती है। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर कोई खरीदने आता ही है। बिहार में इस बार 22 करोड़ के बर्तन बिके हैं। पटना में 7 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।